Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I am going to teach you how to draw a perpendicular and survey line. Okay? Drawing perpendicular and chain line. यहाँ पे दो केसेस पैदा होते हैं. There are two cases. When point is accessible, number B. When point is not accessible. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर ऑन चेन लाइन. आपके पास ऑलरेडी एक लाइन है, एक सर्वे लाइन है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है. तो इस पॉइंट से इस चेन लाइन या सर्वे लाइन पर किस तरह जो है परपेंडिकुलर ड्राप करना है, परपेंडिकुलर गिराना है, ताकि वो लाइन जो इस तरह का लाइन बन जाए वो कम्प्लीटली इस सर्वे लाइन के साथ 90 डिग्री पे हो. तो यहाँ पे दो केसेस क्रिएट होते हैं. व्हेन पॉइंट इज़ एक्सेसिबल, व्हेन पॉइंट इज़ एक्सेसिबल, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से यहाँ तक की जो पैमाइश है, जो डिस्टेंस है, वो आप उसकी नाप कर सकते हो, वो आप मेज़रमेंट कर सकते हो. दूसरा केस है व्हेन पॉइंट इज़ नॉट एक्सेसिबल. इस पॉइंट से इस चेन लाइन पे उम्मीद गिराना है, लेकिन यहाँ पे कोई रुकावट है. वो रुकावट क्या है? यहाँ पे कोई स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम, कोई नदी नाला है, एक रुकावट है जो आप जो है इसकी वजह से आप पैमाइश नहीं कर सकते हो. तो आप लोग जो है किस तरह यहाँ पे जो है चेन लाइन की मदद से आप परपेंडिकुलर ड्राप करोगे. सबसे पहले पहला वाला केसेस डिस्कस करते हैं. व्हेन पॉइंट इज़ एक्सेसिबल, तो आपके पास ये सर्वे लाइन हो गया, ये आपके पास रिक्वायर पॉइंट है पी. इस पी से इस लाइन पे जो है परपेंडिकुलर ड्राप करना है. तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप टेप को लेंगे. क्या चीज़ को लेंगे? टेप. आप टेप को ओपन करेंगे और ये आपका इस तरह टेप, जब आप थोड़ा सा सर्वे लाइन से जो है दूर आप पॉइंट और टेप को ओपन करेंगे, आप यहाँ तक पॉइंट और टेप को ओपन करेंगे. इसके बाद इस टेप को स्ट्रेट रखेंगे और इसी तरह सर्कल में आओगे, इस तरह सर्कल में आओगे. तो ये यहाँ पे टच करेगा तो ये आपके पास ए पॉइंट हो जाएगा. इसी तरह सर्कल में आके आप दूसरी साइड पे इस जगह पे ये सर्वे लाइन टच करोगे, ये आपके पास बी पॉइंट होगा. इस ए बी लाइन की पैमाइश आप करोगे, इस ए बी लाइन की पैमाइश. फॉर एग्जांपल ये आपके पास 100 फीट है, ए बी डिस्टेंस आपके पास कितना है? 100 फीट. तो इसका मिड क्या होगा? इसका मिड 50 होगा. तो इस साइड से बी पॉइंट से या ए पॉइंट से जो है 50 फुट का फासला ले ले, तो आपके पास इसका मिड यहाँ पे आ जाएगा. इसको मतलब है बाइसेक्ट कर ले तो यहाँ पे आपके पास 50 आ जाएगा डिस्टेंस. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली मिला है तो ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा. ये आपके पास एग्जैक्ट, ये ऑफसेट जो है इस सर्वे लाइन के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या है? व्हेन पॉइंट इज नॉट एक्सेसिबल, व्हेन पॉइंट इज नॉट एक्सेसिबल, यहाँ पे ये आपके पास जो है सर्वे लाइन या चेन लाइन है और इस पॉइंट से आप लोगों को जो है परपेंडिकुलर ड्राप करना है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन है. इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप चेनिंग नहीं कर सकते. तो इस वजह से आप लोग जो है इस पी से इस चेन लाइन पे जो है दो पॉइंट सेलेक्ट करोगे. ये आपके पास जो है पहला पॉइंट आपके पास ए आ जाएगा और ये बी हो जाएगा और दोनों का अरेंजिंग करें, दोनों का अरेंजिंग. ये ए और बी आप इस तरह सेलेक्ट कर सकेंगे कि पी से इसका आसानी के साथ अरेंजिंग होता है. तो ये आपके पास एक लाइन ये हो गया और ये आपके पास एक लाइन ये हो गया. अब क्या करना है? अब इस तरह करना है कि नुक्ता ए से बी पी लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर ड्राप करोगे. नुक्ता बी से
नुक्ता ए से बी पी लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर ड्राप करोगे व्हेन पॉइंट इज एक्सेसिबल इस तरीके के मुताबिक, और इसी तरह बी पॉइंट से ए पी पे एक लाइन एक परपेंडिकुलर आपका ड्राप करोगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों लाइन सी पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसकी रेंजिंग करे और रेंजिंग से ये वाला लाइन हाईलाइट करे, इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए तो ये पहले वाला जो सर्वे लाइन है इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा डी पॉइंट पे। आपके पास एक ऑफसेट क्रिएट हो गया डी पी जो कि एग्जैक्टली पहले वाला जो सर्वे लाइन है या चेन लाइन है इसके साथ 90 डिग्री पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।